अब कोई आने वाला है तो उनके रहने की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। तो मैं आ गई हूँ, ये मेरा दूसरा कमरा है, इसमें हम कम ही यूज़ करते हैं इसको, ये ड्रेसिंग रूम की तरह है हमारा। इसमें अलमीरा वगैरह रखी है और ड्रेसिंग टेबल रखा है और बच्चे थोड़ा थोड़ा खेल लेते हैं। ये अलमीरा पहले इधर थी तो संडे को नोनू पापा ने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। और ये मेरे फोल्डिंग थे, दो है, एक मैंने साइड में खड़ा किया है, एक बिछा रखा है तो उसी को मैं बिछा दूंगी। और कर्टन नहीं थे दो मेरे पास, अब एट ए टाइम मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदती, इधर उधर ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा सामान होता जा रहा है। तो ये कपड़ा पड़ा था, इसके मैंने चार पीस करके कर्टन बना दिए ताकि वो मैचिंग लगे। और ये मैंने टाई करने के लिए कर्टन्स को बनाया है कुछ, इसको देखिए, मैंने ये बैंगल ली है, इसको मैंने कट कर लिया है, सिल्वर की बैंगल है। और ये एक पीस स्क्वायर बना दिया है इसका, और एक स्ट्रिप बनाई है, इसको एक साइड से सिल दिया है। इसमें मैं डाल दूंगी चूड़ी को, और इस तरह से ये एक मैंने रेडी कर रखा है पहले से, और इस कलर को इससे सिल के इसको कर देंगे हम उल्टा, ऐसे कर देंगे इसको। और जैसे ये इस तरह से कर लिया है, अब इसको मिड में से स्टिच करते हुए एक फ्लावर जैसा बनाएंगे। और इसको अटैच करने के बाद ये सब रेडी हो जाता है, और ये बहुत आसानी से बन भी गया। कमेंट करके बताना ये आपको आइडिया कैसा लगा। कर्टन्स मैंने लगा दी हैं, और उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी बेड लगाने के टाइम पे, और थोड़ा सा इस तरह से लुक दे दिया, और थोड़ा सा मैंने थोड़ा इसको डेकोरेट कर दिया है ताकि हमारा ड्रेसिंग रूम जैसा ना लगे, नॉर्मल बेडरूम जैसा फीलिंग आए। और ये हो गया एक बेडरूम रेडी। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, मैं पाव भाजी बना रही हूँ, और साथ में मैं दाल चावल बना लूँगी। इसके बाद इसमें मैंने डाली बटर और थोड़ा सा ऑयल डाला, और अनियन कट की थी, सिर्फ मैंने बटर गरम होते ही मेल्ट होते ही मैंने डाल दी अनियन। बाकी सब्जियां मैं साथ साथ ही काटती हूँ, अलग से टाइम नहीं होता इतना कि उसको कट करके पहले से रखूं। जब तक अनियन फ्राई हो रही है तब तक मैं कैप्सिकम कट कर लूँगी। अब कैप्सिकम डालने के बाद जब तक वो फ्राई होगी तब तक मैं टमाटो कट कर लूँगी, और इस तरह कट करती रहती हूँ। पर हाँ, सब्जियाँ मैंने पहले से ही बॉयल कर ली थी मैंने। इसमें डाला है टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा नमक, और सब्जियों में मैंने डाले थे गोभी, गाजर, मटर, और साथ में डाली थी थोड़ी सी बीटरूट ताकि नेचुरल कलर आ जाए, जो पाव भाजी का रेड कलर होता है मैं कलर यूज़ नहीं करती। और बॉयल किए हुए आलू, ये मैंने अलग से बॉयल किए थे, इनको भी मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि ना तवा तो है नहीं, तो उसको वो कढ़ाई में ना मैश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और इसमें डाला है मैंने थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ में मैंने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा सा आता है, मार्केट वाले की तरह ही लगेगा। और ये डाली है रेड कश्मीरी लाल मिर्च, इसे कलर अच्छा आएगा। और साथ में मैंने डाला है 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी बनाना बहुत आसान है और थोड़ी हेल्दी भी होती है, बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। और इसमें मैंने ना हरी मिर्च और लहसुन को, पूरा लहसुन को थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लिया था, इससे ना बहुत टेस्ट अच्छा आता है मार्केट जैसा। इसको मसाले को भी मैंने मैश कर लिया है, और ये तो ऑलरेडी मैश था ही, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और पानी जैसे आपको थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, और ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितना पानी आपको ज़रूरत है, कितनी पतली आपको चाहिए। और ये मेरी थोड़ा सा बॉयल करने के बाद, थोड़ा सा पकाने के बाद भाजी रेडी है, और ये बन गई मेरी पाव भाजी। बच्चे खा चुके हैं, और हमने दाल चावल भी साथ में बनाए थे। रात के 12 से ऊपर हो गए थे, ट्रेन का टाइम 12 बजे था, पर थोड़ी लेट चल रही थी तो, और अब नोनू पापा को लगा कि अब टाइम हो गया है जाना चाहिए, तो वो स्टेशन के निकल गए और मैं ऊपर इंतज़ार कर रही थी। देश में भी ना परदेश जैसी फीलिंग आती है, ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना, बस वही समझ सकता है शायद मेरी बात को। तो इतनी दूर रहते हैं हम लोग, आना जाना कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेकर, मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो बच्चों को लेके, क्योंकि इनको इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती कि साथ जाएं आएं, होती है 2 दिन का लंबा सफ़र।
हर बार इतना दूर ट्रांसफ़र नहीं होता, पर इस बार बहुत दूर ट्रांसफ़र है इसलिए कह रही हूँ, परदेश जैसे फीलिंग आती है। तो पर जब फिर इतनी दूर जब कोई आता है ना आपके पास, तो सच में क्या फीलिंग आती है ना, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। ऊपर से वो आ रही हो जो सबसे पास है दिल के, मतलब आपकी माँ, तो क्या ही कहे उस बात को। तो एक लाइन कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी थी कि भूल जाती हूँ मैं सारी परेशानियाँ ज़िंदगी की, जब मैं अपनी माँ की गोद में सर रख देती हूँ। बस वही महसूस कर रही हूँ मैं अभी से, और उनको आने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। नानू पापा स्टेशन पहुँच चुके हैं, अभी फ़ोन आया था कि वो स्टेशन पहुँच चुके हैं और वो लोग निकलने वाले हैं वहाँ से, तो अभी आने में उनको आधा घंटा लगेगा। थोड़ा सिटी से स्टेशन बहुत दूर है, अंतर है, तो देखो लास्ट का आधा घंटा वेट नहीं हो रहा था। तो मैं बार-बार बाहर जाके देख रही थी, पर रात के 12-1 बज रहे थे भाई, मैं डर लग रहा था बाहर देखने में भी। पर तभी आवाज़ आई हॉर्न की और मैंने देखा तो वहाँ क्या था, बस ये हुआ मेरी मम्मी का पहला कदम मेरे घर में इतने दिनों बाद, और वेलकम नहीं करोगे भाई। और ये हो गए मेरे पापा की एंट्री। मम्मी पापा कह रहे हैं अरे कैमरा लगा रखा है। मैंने कहा हाँ भाई, अकेली हूँ रात में 12 बजे बच्चों के साथ, तो कैमरा तो लगाना बनता है, कहीं कोई और आ गया तो। मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। खाना पीना तो खाने के लिए मना कर रहे थे, बोले खाना तो हमने ट्रेन में खा लिया है तो भूख तो नहीं लग रही है। तो मैंने कहा थोड़ा रिफ्रेशिंग सा हो जाएगा, चाय वाय बना लेती हूँ। चाय सिर्फ मेरी और पापा की बन रही है, मम्मी को दूध दिया है थोड़ा, और मम्मी पापा हो रहे हैं फ्रेश। चाय पीने के बाद थोड़ी सी बात बात करके फिर हम लोग सब सो गए थे, और बहुत ज़्यादा ही रात हो गई थी। और यह है आज सुबह का दिन, मम्मी ने नहा धो के पूजा की तैयारी कर ली, इतने में मैं और मम्मी पापा भी आ गए हैं और हम लोग सब पूजा कर रहे हैं मिलके। और इसके बाद बस खाना पीना खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई है। और फिर शाम को करेंगे प्लानिंग जब नानू पापा आ जाएंगे, देखते हैं कल कहाँ जाएंगे। तो कल की वीडियो भी मिस मत करना, और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं घूमने, कुछ इंटरेस्टिंग सी जगह ही जाएंगे। देखो मम्मी पापा आए हैं तो उनको घुमाएंगे भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।